एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया सेक्शन ऑफ वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं, और वो सेक्शन हम बनाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। नाउ ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए हम इस पूरे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को हम काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 इज़ नथिंग बट सप्लाई। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के लिंक को क्लिक कीजिए, एज वेल एज बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। सो लेट्स बिगिन नाउ। व्हेन वी आर स्टडिंग सप्लाई, जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7। नाउ हम लोग सबसे पहले सप्लाई के बारे में क्यों पढ़ें? सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई जो है हमारा, वो एक टैक्सेबल इवेंट है। इट इज़ नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। मैम, टैक्सेबल इवेंट मतलब? टैक्सेबल इवेंट मतलब बेटा कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब या तो वो गुड्स में आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो या सर्विस में, या बोथ, मतलब गुड्स प्लस सर्विस दोनों ही कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आता है, तभी उस पे जीएसटी लगेगा। पर अगर वो सप्लाई के अंदर आ रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस पे जीएसटी लगे ही। जीएसटी लगे कोई ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब आप समझे, मतलब जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई के अंदर आना ज़रूरी है, इट इज़ कंपलसरी। अगर वो एक सप्लाई है, तभी उस पे हम जीएसटी लगा पाएंगे, पर हर सप्लाई पे जीएसटी लगे वो ज़रूरी नहीं है। तो मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जब हम सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं, तब हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो हम पढ़ने वाले हैं सब पे जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम इस सेक्शन के अंदर सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। जो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है, उस पे तो 100% जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं ही लगना है। क्यों? क्योंकि जीएसटी लगने के लिए सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आना ज़रूरी है। बट सप्लाई अगर हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है उस पे जीएसटी लगे। जीएसटी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है? सो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जब हम सेक्शन 7 देख रहे हैं, सेक्शन 7 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1, 2 एंड 3। और सब सेक्शन 1 के अंदर भी ए बी सी डी, 2 के अंदर भी ए और बी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, उसका पॉइंट नंबर ए कवर करेंगे, पॉइंट नंबर बी कवर करेंगे और पॉइंट नंबर सी कवर करेंगे। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमारा जो है एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारा सिर्फ फोकस होगा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, सॉरी सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब सप्लाई का जो डेफिनेशन है, दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। व्हेन आई से इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड होना है, इन्होंने सब लिख के रखा है, इनको छोड़ के और कोई भी चीज़ सप्लाई में नहीं होगी। नाउ क्लॉज ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब गुड्स सर्विस और बोथ, ये सब इसके अंडर आएंगे। सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजेबल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। तो
तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, इट हैज़ टू बी फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे इन्होंने तीन कंडीशंस हमको दे दी है। क्या तीन कंडीशंस? एक तो ये इन फॉर्म्स में होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, और तीसरा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट इसमें छूट गया तो मतलब वो हमारे क्लॉज ए के अंडर नहीं आता है। नाउ मैम, सेल का क्या मतलब हुआ? सेल मतलब क्या हुआ? हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दी है, हमने जो है वो गुड्स या जो सर्विस है वो हमारे पास अब नहीं है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन दिस, राइट? नाउ ट्रांसफर का क्या मतलब है? ट्रांसफर का मतलब है कि हमने गुड्स दे दिए हैं, इवन इफ इट इज फॉर यूज, अगर हमने सिर्फ यूज करने के लिए दिए हैं तो वो भी एक ट्रांसफर है, राइट? तो आप तो बोल देंगे सेल नहीं हुआ। अरे नहीं, ट्रांसफर तो हुआ है, ट्रांसफर द ऑफ राइट टू यूज तो हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने ट्रांसफर को भी इंक्लूड किया है, ठीक है? तो मैम बार्टर क्या होता है? बार्टर बताते हैं। चलिए, आपके इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक बार्बर। नाउ बार्बर को सर्दी हो गई तो उसने क्या किया, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास गया, उसने इलाज कराया, तो उसका जो फीस था 1000 रुपीज़, तो बार्बर को डॉक्टर को 1000 रुपीज़ पे करना था, बट उसके पास उस दिन उतना रुपया था नहीं। तो उसने डॉक्टर को बोलिया बोला कि देखिए, मेरा पास में ही मेरा सैलून है, आप एक काम कीजिए, आप कभी भी आ जाइएगा, मैं आपको फ्री हेयर कट दूंगा। वो हेयर कट का जो चार्जेस है वो ₹1000 है। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने एक सर्विस प्रोवाइड की और वैसे ही बार्बर ने भी वही सर्विस प्रोवाइड की, दोनों का वैल्यू 1000 1000। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, देर इज नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हियर। तो जब हम किसी वैल्यू के बदले वापस उसी वैल्यू की सर्विस या उसी वैल्यू के गुड्स दे देते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होता है, दैट इज बार्टर सिस्टम, ठीक है? नाउ एक्सचेंज, तो मैम एक्सचेंज भी तो वही हुआ, इसने सर्विस दी, उसने सर्विस दी, दोनों का एक्सचेंज हो गया, नहीं? नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज। नाउ लेट अस से कि मेरे पास एक फोन है नोकिया, ठीक है? नोकिया फोन मैंने ₹2000 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू जो है ₹200 हो गई, ठीक है? अब मुझे एक आईफोन खरीदना है, मुझे चाहिए आईफोन, ठीक है, वो कटा हुआ एप्पल वाला आईफोन चाहिए मुझे। ये आईफोन का वैल्यू है 1,50,000, जो लेटेस्ट वाला है, ठीक है? तो मैं सोचती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसको मेरा नोकिया वाला फोन दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ अपना आईफोन दे दे। क्या वो मुझे देगा? क्या जो शॉपकीपर है वो मुझे देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। वो बोलेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये 1,50,000 में से ₹200 कम कर सकता हूँ, तो आप मुझे पे कीजिए 1,49,800 ओनली, आप इतना मुझे पे कर दीजिए। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज किया, बट क्या यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो रहा है? यस, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, सो देयर इज मनी इन्वॉल्वमेंट हियर। यहाँ पे हम लोग मनी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ये हुआ हमारा एक्सचेंज, ठीक है? लाइसेंस, नाउ अब मैं क्या करती हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो जो है वो जाके मैं किसी को दे देती हूँ और बोलती हूँ तुम मेरे बदले गाड़ी चला लो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है, बट कुछ कुछ ऐसे लाइसेंसेस होते हैं जो हम ट्रांसफरेबल होते हैं, जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो अगर उस टाइप का हम कोई लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का सप्लाई होगा। रेंटल, हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे देते हैं, रेंटल हो गया। लीज भी हम किसी को लीज पे देते हैं, लॉन्ग टर्म लीज पे देते हैं, 30 ईयर्स, 99 ईयर्स, वो हमारा लीज हो गया। मैम इन्होंने डिस्पोजल भी इंक्लूड किया है, मतलब अगर मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है और वो लैपटॉप अगर मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, अगर ये लैपटॉप मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है, चलता नहीं है,
और मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, गार्बेज में फेंक रहा हूँ, तो भी मेरा उसको सप्लाई में मानेंगे? यस, हम उसको भी सप्लाई में मानेंगे। यस दिस इज अ सप्लाई। मैम मतलब मुझे उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा? वो हमें पता नहीं, क्या हमको इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो हमें पता नहीं। अगर आप डिस्पोज कर रहे हो दैट विल बी सप्लाई, उसको जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो हमें पता नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, इन्होंने ये सब इंक्लूड किया है ताकि कुछ भी छूट ना जाए। उसके बाद जो भी इनको हटाना है वो धीरे धीरे हटाते जाएंगे। सो इफ ये सारे कोई भी काम कंसिडरेशन के लिए होते हैं, मतलब इसके बदले हमको पैसा मिल रहा है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये हमारा सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद क्लॉज ए। क्लॉज ए क्लियर हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज बी, क्लॉज बी क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमको कुछ बातें जो है वो बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट, इम्पोर्ट मतलब क्या हुआ? बाहर से हमने अपने देश में कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं? ऑफ सर्विसेज, सर्विस मतलब नॉट गुड, गुड्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। कंसिडरेशन होना चाहिए, इम्पोर्ट होना चाहिए, और इम्पोर्ट किसका होना चाहिए? सर्विस का होना चाहिए। मैम क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी हाँ, मैं एग्जाम्पल एक नहीं दो दे सकती हूँ। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। समझिए, एक यूएस में एक बंदा रहता था, उसका नाम था चुन्नू, और इंडिया में एक बंदा था, उसका नाम था मुन्नू। ठीक है, अब चुन्नू ने मुन्नू से कुछ सर्विस ली। क्या सर्विस ली मैम? चुन्नू एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था और उसने मेडिकल कंसल्टेंसी दी मुन्नू को। मुन्नू के पापा बीमार थे तो उनके लिए मेडिकल कंसल्टेंसी दी। मैम फ्री में दी? नहीं, फ्री में नहीं दी। उसने इसके लिए $500 चार्ज किया, $500 चार्ज किया मुन्नू ने, उसको $500 पेमेंट किया। इज इट अ सप्लाई? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई है? देखते हैं। इंपोर्ट हुआ? हाँ मैम हुआ। यूएस में बैठा था, ये इंडिया में बैठा था, इंपोर्ट हुआ। सर्विस का? यस। कंसिडरेशन? यस। तो अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, कोर्स ऑफ बिजनेस से तो हमको मतलब नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये सप्लाई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। समझो चुन्नू जो यूएस में बैठा है, उसने कुछ फर्नीचर बेचा मुन्नू को, जो इंडिया में बेचा, इंडिया में बैठे। नाउ ये जो फर्नीचर है वो वर्थ था $10,000 के। ये $10,000 में से $6,000 फर्नीचर जो है वो ऑफिस फर्नीचर था, और जो 4,000 का जो फर्नीचर है वो उसका होम फर्नीचर था। अब क्या ये सप्लाई है या नहीं? कंसिडरेशन? हाँ हुआ है, कंसिडरेशन है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? यस, दिस इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इज इट एन इम्पोर्ट? हाँ इम्पोर्ट हुआ है। ऑफ सर्विसेज? नहीं। ऑफ वॉट? ऑफ गुड्स। तो ये इस कैटेगरी में तो सप्लाई नहीं है, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई।
अंडर सेक्शन 7, वन बी। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉज सी। क्लॉज सी बोलता है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन। तो ये जो क्लॉज सी है, ये बोल रहा है कि आप मुझे पढ़िए, पर मुझसे पहले शेड्यूल वन पे पढ़िए। शेड्यूल वन में जो जो एक्टिविटीज है उसको भी मैं सप्लाई मानूंगा, मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी ये क्या है, ये एक सप्लाई है। ये कैसे हुआ मैम, देखते हैं। चलिए शेड्यूल वन पढ़ते हैं। सर शेड्यूल वन टॉक्स अबाउट, उसका हेडिंग क्या है शेड्यूल वन का? शेड्यूल वन का हेडिंग है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मैम मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जो ट्रांजैक्शन है वो वन वे ट्रांजैक्शन है। मतलब आपने कोई गुड्स प्रोवाइड किए या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, पर आपको उसके बदले कुछ नहीं मिला। मैम अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो भी मैं जीएसटी क्यों पे करूं? क्यों जीएसटी इसको बीच में ला रहा है? जीएसटी इसको इसलिए बीच में ला रहा है क्योंकि बेटा वो जो वहां पे जीएसटी काउंसिल में बैठे हैं उनको लग रहा है कि जो शेड्यूल वन की जो एक्टिविटीज है दीज आर वेरी गुड एक्टिविटीज फॉर टैक्स इवेजन। मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं इनसे टैक्स इवेड होने के बहुत चांसेस हैं या गवर्नमेंट को नुकसान होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, इसीलिए इन्होंने इसको इस पॉइंट में कवर किया है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल मतलब हम यहाँ लिखेंगे नॉट टेम्पररी। मतलब मैंने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज कर दिया ऑफ व्हाट, ऑफ बिजनेस असेट्स, दैट मींस नॉट पर्सनल असेट्स। पर्सनल असेट्स की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, बिजनेस असेट्स की। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, ITC ले लिया है मैंने उस पे। और ऑब्वियसली जब हम शेड्यूल वन पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर मैं ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कवर करूं, दैट मीन्स परमानेंट ट्रांसफर वो भी विदाउट कंसिडरेशन, तो इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं? इसके केस हो सकते हैं गिफ्ट, या इसका गिफ्ट केस हो सकता है डोनेशन, या डिस्पोजल मतलब मैंने उसको उठा के फेंक दिया। यही तीन केस हो सकते हैं जहां मुझे कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, राइट? तो मैंने अगर किसी को गिफ्ट किया है या किसी को डोनेट किया है या कोई डिस्पोज ऑफ किया है ऑफ द बिजनेस असेट, और अगर मैंने पहले उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा तो बेटा ये हमको सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। मैम आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल। ओके लेट अस से मेरा बिजनेस है कोचिंग सेंटर, ठीक है, मैं एक कोचिंग सेंटर चला रही हूँ अंडर द नेम ऑफ श्वेता जैन क्लासेस। ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप जो है इससे मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड इट इज हेल्पिंग मी टू जनरेट रेवेन्यू। एक दिन मेरी डॉटर ने मुझसे ये मांगा, मैंने बोला जा बेटा ले ले, आई हैव गिवन इट टू हर, आई हैव गिफ्टेड दिस टू हर। ठीक है, अब अगर मैंने इस पे ITC पहले लिया हुआ है, अगर मैंने इसका ITC का बेनिफिट लिया हुआ है तो क्या ये परमानेंट ट्रांसफर हो गया? हाँ। बिजनेस असेट का? यस। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है? यस। क्या मेरी डॉटर से मैं पैसे लूंगी? नहीं। तो
तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है वो एक सप्लाई होगा, इसको हम सप्लाई गिनेंगे। मैम ये तो बड़ी, मतलब ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। आपने डॉटर को ही तो गिफ्ट किया है, उसमें आप इसको सप्लाई क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि बेटा क्या हो सकता था, मेरी डॉटर को एक लैपटॉप चाहिए, एक्सक्यूज मी, मेरी डॉटर को एक लैपटॉप चाहिए उसकी क्लासेस के लिए। लैपटॉप है 1 लाख रुपए का, ठीक है, समझो उसमें जीएसटी मैंने 18,000 पे किया, तो मेरे को लैपटॉप पड़ा 1,18,000 का। अगर मैं उसको पर्सनल नेम में लेती तो मुझे 1,18,000 पे करना पड़ता और मुझे वो 18,000 का बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो पर्सनल पे। तो मैंने एक अपना आइडिया लगाया, मैंने आइडिया लगाया और ये जो लैपटॉप है ये मैंने बिजनेस के नाम पे ले लिया। अब बिजनेस के नाम पे लिया तो क्या हुआ, मुझे ये जो 18,000 है इसका मुझे ITC मिल गया, करेक्ट। तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ा, 1 लाख, और फिर वो मैंने मेरी डॉटर को गिफ्ट कर दिया। क्या हुआ इससे, इससे क्या हुआ, मैंने ITC भी क्लेम कर लिया और डॉटर के पास मेरा गिफ्ट भी पहुंच गया, तो इससे मेरा 18, अब गवर्नमेंट को क्या हुआ, 18,000 का लॉस हो गया है, करेक्ट। गवर्नमेंट आपको कोई भी चीज का ITC क्यों देती है, गवर्नमेंट आपको कोई भी चीज का ITC देती है ताकि आप उसको यूज करो और अपना आउटपुट टैक्स जनरेट करो और ये वाला जो है गवर्नमेंट को पे करो। आपने कोई भी चीज का ITC क्लेम किया है लेकिन आप उसका आउटपुट टैक्स जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो आपको लेने नहीं देगा। इसीलिए ये जो है इन्होंने इसको शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 1 में डाला है, जहां विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद हम इसको सप्लाई में गिनेंगे। उसके बाद हम उसको टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट हमने उसको सप्लाई में तो डाल दिया है, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब आप उसको अगर फेंक भी दोगे तो भी, ऑफ बिजनेस एसेट इन ऑफ वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, और ये अगर सब कुछ विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो हम उसको सप्लाई में गिनेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए 2 पॉइंट नोट डाउन करने का है। फर्स्ट, परमानेंट डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। अब यही समझो, ये जो मेरा लैपटॉप है ये 10 साल पुराना है, ठीक है, और अब ये मुझे कोई काम का नहीं है। ये मेरा जो क्या बोलते हैं, जो मुझे इससे सर्विस चाहिए था वो ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको डोनेट कर दिया या मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर भी क्या हम इसको सप्लाई में गिनेंगे? नो। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे बिजनेस असेट कहलाने लायक नहीं है। इट इज नॉट, मैंने इससे बहुत इनपुट जन आउटपुट टैक्स जनरेट कर दिया और मैंने बहुत गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। अब इसमें मुझे और कोई आउटपुट टैक्स जनरेट करने का स्कोप नहीं दिख रहा है। इसको क्या मैं सप्लाई में गिनूंगी? नहीं, इसको मैं सप्लाई में नहीं गिनूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इससे ऑलरेडी बहुत आउटपुट टैक्स जनरेट कर लिया है और मुझे अब इसमें और कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, इसीलिए दिस विल नॉट बी अ सप्लाई। सेकेंड पॉइंट, हम ITC क्लेम कब नहीं करते हैं? हम ITC क्लेम तब नहीं करते हैं जब या तो मैंने अपनी स्व इच्छा से, मीन्स ITC नॉट क्लेम्ड, अगर मैंने अपनी स्व इच्छा से क्लेम नहीं किया, बहुत बढ़िया बात है, तब आपको इसमें ये आपने ITC क्लेम नहीं किया है, आप इस पॉइंट के अंदर नहीं आएंगे। या फिर ITC ब्लॉक होता है तब भी आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्स पे, तो समझो मेरे पास एक कार थी, ठीक है, मेरे पास एक कार थी, ठीक है, और मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, या मतलब इट वॉज इन द वर्किंग कंडीशन, ये मेरे को सब हेल्प वेल्प कर रहा था और मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैंने इसको गिफ्ट कर दिया और मैंने इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। तब जब मैंने इसको डोनेट किया है विदाउट कंसिडरेशन, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट, फिर भी मैं इसको सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि इस पे ITC ब्लॉक्ड था, ब्लॉक था मतलब मैंने इस पे ITC नहीं लिया था। अगर मैंने इस पे ITC नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक्ड था,
तब क्या होगा, तब ये मेरे सप्लाई के डेफिनेशन में शेड्यूल वन के फर्स्ट पॉइंट में नहीं इंक्लूड होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये दोनों पॉइंट को, स्पेशली ये पॉइंट को थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है गुड्स का हो या सर्विस का हो, किसी का भी, बिटवीन किसके, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, इन मतलब नेक्स्ट पेज में। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है, विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि हम शेड्यूल वन की बात कर रहे हैं। नाउ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेट अस से, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी इसमें। लेट अस से मेरा एक फ्लावर मिल है, क्या बना रही हूँ मैं, आटा, गेहूं का आटा, ठीक है, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ पे मैं गेहूं का आटा बनाती हूँ। नाउ आई हैव सम रिलेटिव्स, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं थोड़े पुअर हैं, तो इसीलिए मैं हर महीने इनको 10 kg आटा फ्री में दे देती हूँ, ठीक है। नाउ इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, यस मैम, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ये। रिलेटेड पार्टी, यस मैम, विदाउट कंसिडरेशन, यस, पर क्या ये बिजनेस है, नहीं, मेरे लिए तो ये बिजनेस है, मेरे लिए तो जो मैं बेच रही हूँ वो बिजनेस है, बट इनके लिए इट इज नॉट अ बिजनेस। मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है वो दोनों के लिए बिजनेस होना चाहिए, तभी उसको हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट अ सप्लाई, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, वही मेरा फ्लोर मिल है, मैंने 200 kg आटा जो है वो अपने रिलेटिव्स को दे दिया। मैम 200 kg आटा का वो क्या करेंगे, वो लोग इसको बेचेंगे और उससे इनको जो पैसा मिलेगा वो ये लोग रख सकते हैं, तो क्या मुझे कुछ कंसिडरेशन मिला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, वो इसको बेच के अपना घर चलाए, वही मेरे लिए खुशी की बात है। मतलब मैम क्या ये आपके लिए तो बिजनेस था ही, क्या ये उनके लिए भी बिजनेस हो गया अब, हाँ ये उनके लिए भी बिजनेस हो गया। तो मैम यहाँ पे सप्लाई हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी भी हैं आप, ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो गया अब और विदाउट कंसिडरेशन भी हो गया, तो मैम क्या ये सप्लाई है, हाँ ये अब सप्लाई हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए जो सप्लायर है, और यहाँ पे बनाती हूँ मैं इस पॉइंट के लिए, जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, दोनों के लिए ये बिजनेस होना चाहिए, अगर दोनों के लिए ये बिजनेस है तभी उसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, अदरवाइज इसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बोला जाएगा। अब मैम रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं, रिलेटेड पार्टी देखते हैं। नाउ रिलेटेड पार्टी कौन है, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। अगर एक डायरेक्टर दो कंपनी में बिजनेस, दो दो कंपनीज में डायरेक्टर है, तो वो दोनों कंपनीज जो है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, ओ हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स और शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, तो भी वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा. वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई थर्ड पार्टी, टुगेदर दे डायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पार्टी, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन, पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर, इन दैट वन इज अ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर, हाउएवर डिस्क्राइब्ड ऑफ द अदर शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड. तो ये आपके रिलेटेड पर्सन्स में इंक्लूड होंगे. उसमें हमको जो पॉइंट देखना है जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बारे में. चलिए देखते हैं. इसमें मैम एक एग्जाम्पल दीजिए. इसमें एक लिमिट है, पहले मैं लिमिट दे देती हूँ. लिमिट है लेस देन 50,000. मैम ये क्या लिमिट है? ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का. अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है. सोप्स बनाता है, फूड आइटम्स बनाता है, शैम्पू बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आइटम्स हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रेन में एक आइडिया आता है. क्या आइडिया आता है मैम? वो सोचता है क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं अपने एम्प्लॉई से बात करता हूं और एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि तुम जो अपना सैलरी है वो पर मंथ ₹10,000 से कम कर दो. इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा. वो 10,000 का तुम मुझसे गुड्स ले लो. इससे क्या होगा? हिंदुस्तान लीवर को ये फ़ायदा होगा कि उनको अपने गुड्स सेल हो गए, और एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा? उनको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा. करेक्ट? यस. नाउ अगर ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम पीछे वाले पॉइंट में वापस जाते हैं. क्या यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है? यस. क्या ये विदाउट कंसिडरेशन है? यस, विदाउट कंसिडरेशन है. क्या ये रिलेटेड पार्टी के बीच में है? यस, ये रिलेटेड पार्टी के बीच में है. बट क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसको हमने सप्लाई से हटा दिया. नहीं, एक्ट बोलता है, जो शेड्यूल वन है वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट गिव्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. मतलब 50,000 तक तो ठीक है, हमने आपकी बात मानी, पर अगर आपने 50,000 से ज्यादा गुड्स दे दिए अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को, तो हम उसको सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर गिनेंगे. तो ये जो है ये क्या हो गया? ये सप्लाई हो गया. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन कौन हुआ? डिस्टिंक्ट पर्सन वो हुआ जिसके रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरा कोचिंग सेंटर है यहाँ पे बैंगलोर में. ठीक है, बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में. मैंने सोचा मैं एक और सेंटर खोलती हूँ. अभी मैंने बैंगलोर में जयनगर में खोल रखा है. लेट अस से कि मैं खोलना चाहती हूँ इंदिरा नगर में भी. मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों के लिए, अब ऑब्वियसली पैन एक है तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए हैं. या तो मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लूं, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टू रजिस्ट्रेशंस भी ले सकती हूँ. ठीक है, अगर मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो वी आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, बट अगर हमने टू रजिस्ट्रेशन लिया है तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन है. इवन इफ पैन एक है और स्टेट एक है, फिर भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन है. लेट अस सी. अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेयर इन इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट. मतलब अगर दूसरे दूसरे, मैंने अभी कर्नाटका में खोल रखा है, फिर मैं जाके
तमिलनाडु में खोलती हूँ, तो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, जीएसटी जो है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, मुझे दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। तो ये हम दोनों भी इवन इफ एक पैन के अंदर है तो भी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो अगर रिलेटेड पार्टी है या डिस्टिंक्ट पार्टी है कोई भी है, उसमें ये हमारा शेड्यूल वन का पॉइंट नंबर टू एप्लीकेबल होगा। चलिए अब जल्दी से हम पॉइंट नंबर थ्री पे चलते हैं। पॉइंट नंबर थ्री भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जीएसटी काउंसिल ने बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है। इस एग्जाम्पल से पहले, इस को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा एक मैन्युफैक्चरर था, उसका नाम था चुन्नू, और एक होलसेलर था, उसका नाम था मुन्नू। ठीक है, तो चुन्नू मुन्नू को गुड्स देता है और जीएसटी लेता है, मुन्नू जो है वो कस्टमर को बेचता है और यहाँ पे भी जीएसटी लगता है, करेक्ट। अब मुन्नू जो है हमारा बड़ा स्मार्ट बंदा है, वो सोचता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपना आइडिया जो है वो चुन्नू को सुनाता है। वो बोलता है, भाई हम यहाँ पे भी जीएसटी पे करते हैं, हम यहाँ पे भी जीएसटी पे करते हैं, ऐसा क्यों करें, हम एक काम करते हैं, हम सीधा जो जीएसटी है वो जब हमारा गुड्स कस्टमर को पहुंच जाएगा तभी हम पे करेंगे। चुन्नू बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है सर? ये ऐसे पॉसिबल है कि हम लोग दोनों प्रिंसिपल और एजेंट बन जाएंगे। अगर हम प्रिंसिपल और एजेंट बन जाते हैं तो जो गुड्स जा रहे हैं, वो जो गुड्स तुम मुझे दे रहे हो वो एक एजेंट को दे रहे हो, तो हम सप्लाई के डेफिनेशन में आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे जीएसटी, ये वाला जो लेग है ये जीएसटी का अवॉइड कर देंगे, और डायरेक्ट जब कस्टमर हमको पैसा देगा तब मैं तुमको पैसा दूंगा और तब हम जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, तब जीएसटी काउंसिल जो है ये पॉइंट लाया, क्या लाया? सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। ठीक है, बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर इन द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड्स दे रहा है, या प्रिंस गुड्स एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, तो भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। मतलब ये जो लेग जो ये लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो हम जीएसटी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, ये अब राइट हो गया, इस पे भी आपका जीएसटी लगेगा। क्यों? इस पॉइंट के कारण। समझ आया? तो देर इज सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन। ऑब्वियसली जब इसने इसको ट्रांसफर किया था प्रिंसिपल एजेंट बन के, तब उसने विदाउट कंसिडरेशन, उसको उस समय कुछ नहीं मिला था, तब चुन्नू को कुछ नहीं मिला था, तब क्या हुआ, जो प्योर एजेंट और प्रिंसिपल है, प्योर कंसाइनर कंसाइनी है, वो लोग बड़े दुखी हो गए। तब जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया कि भाई हम यहाँ पे जो लोग धोखाबाजी कर रहे हैं उसी को हम परेशान, मतलब उसी को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्योर एजेंट है, प्योर प्रिंसिपल एजेंट है, उनको हम परेशान नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन प्योर प्रिंसिपल एजेंट है? अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो वो प्योर एजेंट है, अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो फिर जीएसटी लगेगा। मैम एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, मुझे आज मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, और वो भी तीन अलग अलग जगह से बर्गर खाना है, मुझे ए से भी खाना है, बी से भी खाना है, सी से भी खाना है। मैम जाइए खाइए, आपको टेस्ट तो सेम मिलेगा, टेस्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, और बिल किसके नाम पे है? क्या ए अपने नाम पे बिल करेगा, बी अपने नाम पे बिल करेगा, सी अपने नाम पे बिल करेगा? नहीं मैम, वो सब बिल करेंगे मैकडोनल्ड्स के नाम पे। तब ये क्या हुआ,
तब ये प्योर प्रिंसिपल एजेंट हुआ। इनका टेस्ट सेम क्यों है? क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो इनको गुड्स दे रहा है। ये जो टॉपिंग्स हुआ या जो भी बेस हुआ, जो भी इनका अंदर जो भी वो लोग भरते हैं, वो सब कौन दे रहा है? इनको प्रिंसिपल। सो देयर इज सप्लाई ऑफ गुड बाय अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट। पर इनवॉइस अगर मैकडॉनल्ड्स के नाम पे रेज हो रहा है या डोमिनोज में जाते हैं तो डोमिनोज के नाम पे रेज होता है, तब वो प्योर प्रिंसिपल एजेंट है और वो इस पॉइंट के अंदर नहीं आएंगे। दिस इज नॉट सप्लाई। जो वो टॉपिंग्स और वो लोग दे रहे हैं, जो टॉपिंग्स या जो भी बेस या जो भी गुड सप्लाई हो रहा है बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट, वो जो है वो नॉट सप्लाई है। क्लियर? तब जीएसटी कब पे करेंगे? जब उसने मुझे बेचा, ए ने जब मुझे बेचा, बी ने जब मुझे बेचा, सी ने जब मुझे बेचा, इसी लेग पे जीएसटी लगेगा। ये वाला जो लेग है, जब टॉपिंग्स जा रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट पे हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अरे मैम, ये तो कहीं हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, पढ़ा हुआ है हमने, वापस पढ़ेंगे। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात कर रहे हैं, मतलब नॉट गुड्स की बात कर रहे हैं। बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप वहां पे याद कीजिए, वहां पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। मैंने चुन्नू और मुन्नू का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ मेडिकल कंसल्टेंसी दे रहे थे और वो मेडिकल कंसल्टेंसी को हमने बोला था कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी हमने उसको सप्लाई गिना था। यहाँ पे हम उसको सप्लाई, यहाँ पे हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमें चाहिए। लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ देयर इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। कैसे देखते हैं? चुन्नू कहाँ है? यूएस में। उसने सर्विस दी मुन्नू को। मुन्नू कहाँ है? इंडिया में। क्या सर्विस दी मैम? उसने इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस दिया। कहाँ के लिए दिया? उसने थोड़ा सा उसके हाउस के लिए दिया और थोड़ा सा उसके ऑफिस के लिए दिया। ठीक है, क्या उसने पैसे लिए? नहीं, नो नो मनी। क्यों नहीं लिए मैम? क्योंकि ये लोग दोनों भाई भाई थे, दे आर ब्रदर्स। ठीक है, इसीलिए उसने कुछ पैसे नहीं लिए। अब जब उसने घर के लिए लिया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, हाँ, रिलेटेड पार्टी है, हाँ, विदाउट कंसिडरेशन है, पर वो जो घर वाला जो सर्विस है उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बट ऑफिस के लिए यस, हम उसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में है। दिस इज अबाउट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल वन। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक हम चार्ट बना सकते हैं फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, या तो विद कंसिडरेशन या फिर विदाउट कंसिडरेशन। नाउ अगर विद कंसिडरेशन है तो ये हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर आता है। विदाउट कंसिडरेशन है तो ये कहाँ आता है? शेड्यूल 1 के अंदर। अब क्या ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है? यस। क्या ये नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है?
कोई भी केस हो, ये हमारे लिए क्या है, सप्लाई। ये फर्स्ट थिंग, इट हैज टू बी फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। ये हम रिलेटेड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रिलेटेड पार्टी अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर ये सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आता है। नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर दिस इज नॉट सप्लाई। आप पॉज करके इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस पूरा क्लियर रहे। इसके साथ हमारा शेड्यूल 1 भी पूरा क्लोज होता है। अब शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 प्लस जो बाकी सेक्शंस है हमारे सेक्शन 7 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।